अब बल्कि ट्राई करना, अगर मिले तो मुझे मेरे साथ भी शेयर करना। श्योर सर, मैं जरूर इसको ओके, सो डेटा कॉपी कर लिया आपने? जी सर। ओके जी। सो इसमें हमारे पास क्या है कि बेसिकली ये सॉफ्टवेयर हमें हेल्प आउट करेगा, ये जो हम पढ़ रहे थे मॉडलिंग इनपुट डेटा, जितना हमने ये पूरे का पूरा लेक्चर पढ़ा है पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर, सो ये बेसिकली हमें ये वो सारा कुछ करने को हेल्प आउट करेगा। सिर्फ करना क्या है कि आप लोगों को ग्राफ्स पढ़ने आने चाहिए और आपको इसके रिजल्ट्स पढ़ने आने चाहिए, ठीक है जी। बाकी ये सॉफ्टवेयर हमें सारा कुछ खुद ब खुद कैलकुलेट करके देगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूस डेटा को लेके चल रहा हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इसमें हमने डेटा एंटर कर लिया। अब आपने करना क्या है, यू विल गो टू एनालाइज, ठीक है जी। आपने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स पे क्लिक कीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव पे आप क्लिक करें, सो फिलहाल मेरा जो टी आई वेरिएबल है वो आपने मेक श्योर कर लेना है सैंपल डेटा के अंदर सिलेक्टेड हो, और क्योंकि ये जो मेरा डेटा है वो कॉन्टिन्यूस डेटा है, सो मेक श्योर कर लेना है कॉन्टिन्यूस पे क्लिक हो और सिंपली प्रेस ओके आपने कर देना। ठीक है जी। सो जो हमने स्टेप नंबर 1 था कि यहां से आप अपने इस डेटा को देखते हुए कुछ हाइपोथाइज कर सकते हो, ठीक है, कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन को देखते हुए। सो इस वक्त मुझे ये लग रहा है जैसे कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन 0.95 है, सो दैट इंडिकेट्स कि ये मुझे लग रहा है ये कोई स्क्यू टाइप ऑफ कर्व है, ठीक है, क्योंकि ये नियर टू 1 है, सो इट माइट बी पॉसिबल ये एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हो, राइट। ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास क्या है कि अब अगर मैं आऊं, इसको फिलहाल मैं स्किप करता हूं और मैं आ जाता हूं सिंपल फिट डिस्ट्रीब्यूशंस। अब जो हमारे पास इजी फिट है इसके अंदर अराउंड अबाउट आई थिंक सो मोर देन 30 कोई डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। हमने तो कुछ उसमें से जो इम्पोर्टेंट थी हमने उनको डिस्कस किया, बट इसके अंदर कोई अराउंड अबाउट 30 डिस्ट्रीब्यूशन, और वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो सीनियो के अंदर भी अवेलेबल है, बल्कि शायद इसके अंदर ज्यादा है, ठीक है जी। सो हम क्या करेंगे, वी विल गो टू एनालाइज, क्लिक ऑन फिट डिस्ट्रीब्यूशन अगेन, मेक श्योर के सैंपल डेटा पे वो वेरिएबल सिलेक्टेड है और डेटा हमारा क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यू सिलेक्टेड है एंड प्रेस ओके। सो अब ये क्या कह रहा है उसने, ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पे आपको ये सारी के सारी लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस नजर आ रही हैं, क्लियर। ओके, अब अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रही है, इट मीन जो ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन है ये इस डेटा के ऊपर बेस्ट फिट नहीं आई, जबकि जो ब्लैक है वो कोई ना कोई टेस्ट पास कर रही है, इट मीन ये सारी की सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी इस डेटा को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकती है, क्लियर। बट हमें क्या चेक करना है, हमें गुडनेस ऑफ फिट को टेस्ट चेक करना है। अगर आप, हमने ये ग्राफिकल एनालिसिस को लास्ट टाइम देखा था, क्योंकि ये हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, लाइक जैसे मैं एक्सपोनेंशियल पे करता हूँ तो मुझे वो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ दिखा रहा है, ठीक है। अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं क्या करता था, कंट्रोल बटन प्रेस करता था अपने कीबोर्ड से, एक्सपोनेंशियल प्लस सपोज मैं अरलैंग को भी क्लिक कर लेता हूँ, गामा को क्लिक कर लेता हूँ, तो वो मुझे मल्टीपल के फिर वो शो करना स्टार्ट कर देगा, राइट। अगर मैं जस्ट सिंपली कंट्रोल को सिलेक्ट किए बगैर सिंपली 1 डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे उस डिस्ट्रीब्यूशन की गुडनेस ऑफ फिट शो कर देगा, क्लियर। ओके, और साथ ही साथ वो क्या कह रहा है, अगर आप अपने इधर टॉप राइट के ऊपर देखें, वो हमें एक सेपरेट स्मॉल सी विंडो शो कर रहा है जिसके अंदर वो मुझे क्या कह रहा है, वो मुझे उस लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करके भी दे रहा है। वो जो हमारा सेकंड स्टेप था कि हमने अपने उस पैरामीटर की वैल्यू को एस्टिमेट करना है, सो डेटा के बेसिस के ऊपर वो क्या करते हैं, वो लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करके भी हमें बता रहा है, ठीक है जी। ओके, अब अगर आप आओ यहाँ पे हमारे पास सेकंड स्टेप समरी है, इसको स्किप करके आप आ जाओ अगर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के ऊपर, ठीक है जी।
जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है, हमने ये तीनों टेस्ट पढ़े हैं, हमने काइस्के टेस्ट पढ़ा है, हमने एडी टेस्ट अंडरसन डार्लिंग टेस्ट पढ़ा है, हमने कल्मोग्रोफ सिमरनोव टेस्ट पढ़ा है, ठीक है जी। ओके अब कर क्या रहे, वो हमें लिख रहा है स्टेटिस्टिक। स्टेटिस्टिक का क्या मतलब है कि जो इनका टेस्ट स्टेटिस्टिक है उनकी वैल्यू वो हमें शो कर रहे हैं, और रैंक, रैंक का क्या मतलब है कि इस टेस्ट ने इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट जो पी वैल्यू जनरेट की उसने उन पी वैल्यूज को आपस में कंपेयर किया, जिसकी पी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट है उसको उसने रैंक वन कहा, जिसकी उसके बाद लार्ज है उसको उसने रैंक टू दे दिया, थ्री दे दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे अब के एस टेस्ट, कल्मोग्रोफ सिमरनोव टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो रैंक वन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है विच इज दिस वन फेज्ड बाय वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर? ठीक है, जबकि अगर हम काइस्केर के अकॉर्डिंगली देखें तो वो हमें बर डिस्ट्रीब्यूशन को कह रहा है कि ये सबसे रैंक वन है, जबकि एंडरसन डार्लिंग टेस्ट के अकॉर्डिंगली अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रीटो टू डिस्ट्रीब्यूशन कोई होती है वो रैंक वन है, क्लियर? ओके अब हमारे पास ये कहा जाता है कि कभी भी आप इन टेस्ट की जो रैंक वैल्यू मीन पी वैल्यू के अगेंस्ट आप बिल्कुल ब्लंटली या ब्लैंकली जो है वो ये अज्यूम ना कर लें कि जो जो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी को फॉलो कर रही है, ठीक है। सो ये जरा जरा थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट रिजल्ट्स को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपके टेस्ट को या डिस्ट्रीब्यूशन को रैंक करते हैं अगेंस्ट देयर पी वैल्यू, और उसको हाईएस्ट रैंक असाइन कर देते हैं जिसकी पी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है। जबकि ये जरूरी नहीं है कि जिसकी पी वैल्यू सबसे छोटी हो वही बेस्ट फिट डिस्ट्रीब्यूशन हो, राइट? तो हमें करना क्या पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है कि टेस्ट के साथ साथ हमें आपने जो है वो उनके ग्राफ्स को भी देखना है। वो ग्राफ्स कौन से थे जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, आप डिफरेंस प्रोबेबिलिटी प्लॉट को भी देख सकते हो, क्यू क्यू प्लॉट को देख सकते हो, ठीक है। सो आपको जो है वो अज्यूम करना पड़ेगा और साथ में साथ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को देखते हुए ये आइडियलाइज करना पड़ेगा कि ओके कि आपके जो डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेस्ट फिट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी बन रही है, ठीक है जी। ओके आपके पास जब हम समरी पे आते हैं, अगर आप समरी टैब पे क्लिक करो तो वो जो तमाम डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली उसने पैरामीटर की एस्टिमेशन करके भी बताया हुआ, ठीक है ना। मसलन जैसे आपके पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे पास फोर पैरामीटर्स हैं, तो उनके अगेंस्ट उसने उनकी पी की जो वैल्यूज है वो हमें पैरामीटर की वैल्यूज है वो कैलकुलेट करके दी हुई है। इसी तरीके से अरलैंग की, एक्सपोनेंशियल की, ठीक है, नॉर्मल की तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशंस बेस्ट हैं उनके अकॉर्डिंगली उसने पैरामीटर की वैल्यू को कैलकुलेट करके दिया हुआ। इज इट क्लियर? सो दैट मीन अगर हम सिमुलेशन परस्पेक्टिव से बात करें तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बहुत ज्यादा थ्योरी के जरिए सपोर्ट करना पड़ता है कि अगर मैं सपोज जैसे इंटर अराइवल टाइम को मॉडल कर रहा हूं तो मैं अगर उसको एक्सपोनेंशियल कह रहा हूँ तो मुझे उसको रेफर करना पड़ेगा कि ओके ये एक्सपोनेंशियल बन रहा है और अकॉर्डिंग टू दिस दिस डेटा बन रहा है, या पे उसको मल्टीपल टाइम जो है वो टेस्ट करना पड़ेगा मल्टीपल डेज के अकॉर्डिंगली। मसलन जैसे आप ये नहीं कह सकते कि इंटर अराइवल टाइम जो डेटा है वो जी अकॉर्डिंग टू काइस्के डिस्ट्रीब्यूशन वो बर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, अगर आप ये रिपोर्ट करोगे तो आपके जो है वो लोग बहुत ज्यादा एतराज कर सकते हैं कि इंटर अराइवल टाइम इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कैसे कर रहा है, कोई जस्टिफिकेशन दें, ठीक है। तो आप सिंपल एक दिन का डाटा या दो दिन के डाटा की बेसिस पे वो चीज नहीं कह सकते, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आप उसको अगेन एंड अगेन उस टेस्ट डाटा को लेके उसको टेस्ट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। सो इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ टेस्ट या पी वैल्यू के बेसिस पर डिसीजन ना लें, आप डिफरेंस प्लॉट को भी चेक करो, क्लियर? ओके सो
फर्दर हमारे पास जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक चीज अवेलेबल है, अगर आप इसमें टूल्स में जाओ और आपके पास यहाँ पे स्टैट असिस्टेंट, ठीक है, ये सबसे बेस्ट इसके अंदर ये है कि आपने अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन देखना हो या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखना हो कि उसका ग्राफ कैसे बन रहा है, सो वो आप यहाँ से देख सकते हो। इस एरो को अगर आप स्क्रॉल डाउन करो तो आपको वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को मैं ले रहा हूँ, ठीक है, सो उसके जो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं वो क्या है, N 25 दिया हुआ है और P.2 दिया हुआ है। अगर मैं P को 0.2 की बजाय 0.5 कर दूं तो ग्राफ जो है वो देखो चेंज हो रहा है और वो नॉर्मल बन रहा है, सिमेट्रिक बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसके बॉटम में देखें जहां पे आपके पास लिखा हुआ है डेलीमीटर्स, ठीक है, सो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर आप ये बॉटम में है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस X2, इसमें अगर आप वन लाइक आपने X1 की वैल्यू को चेंज करके जरा चेक करें तो उसके ऊपर क्या आएगा, बेसिकली ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेगा, ठीक है, लाइक इन प्रोबेबिलिटीज की बेसिस के ऊपर को करेगा। अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, ठीक है, सो ये मुझे क्या कर रहा है, उनके अगेंस्ट प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके दे रहा है कि जब मेरा N 25 था, P.5 था, तो X1 की वैल्यू क्या है, 5, तो अब वो कर क्या रहा है, मुझे उसकी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू दे रहा है क्योंकि ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन है ना, ठीक है, और इस x इज इक्वल टू 5 के अगेंस्ट वो प्रोबेबिलिटी भी दे रहा है। सो आपकी मर्जी है, आप जो भी पुट करोगे उसके अगेंस्ट वो आपको उसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके देता रहेगा, राइट। सो आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, उसका पैरामीटर क्या है, उसकी आप किस तरीके से वो कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, एज वेल एज आपको उस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली वो उसके डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली स्टैट असिस्टेंट, ठीक है जी। ओके, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो एक और जो चीज बहुत अच्छी है जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कि हाउ टू जनरेट द रैंडम नंबर्स, हम उसके डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, बट इस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप टूल्स में जाओ तो आपके पास ऑप्शन है रैंडम नंबर, सो ये आपको वो रैंडम नंबर भी जनरेट करके दे सकता है। मसलन आप कहते हो कि जी मुझे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम नंबर चाहिए, सो जस्ट सेलेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन, कितने चाहिए, 500 चाहिए, उसके पैरामीटर की वैल्यू क्या है, सपोज 5, जस्ट प्रेस ओके कर दो तो वो आपको उसके एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा सर है, ठीक है ठीक जी। सो ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम नंबर जनरेट कर दिए, सो नाउ यू कैन अगेन टेस्ट इट कि क्या वाकई ये रैंडम नंबर्स एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्लियर? राइट एक चीज याद रखिएगा, मे बी पॉसिबल है अगर आप सिमुलेशन के अंदर रिसर्च करना स्टार्ट करो तो आपको कुछ पेपर्स ऐसे भी मिलते हैं वो सॉफ्टवेयर की स्ट्रेंथ को भी मेजर करते हैं। मसलन जैसे अगर मैं कहता हूँ मैंने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम नंबर जनरेट किए अकॉर्डिंग टू इजी फिट, इसी तरीके से मैंने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम नंबर जनरेट किए अकॉर्डिंग टू मिनी टैब, मैंने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम नंबर जनरेट किए अकॉर्डिंग टू एक्सेल। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इन तीनों सॉफ्टवेयर में से सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा है, ठीक है, सो यू वुड बी सरप्राइज समटाइम्स क्या होता है कि जो मिनी टैब जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम नंबर जनरेट करता है, जब मैं उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करता हूँ तो माइट बी पॉसिबल कि जो उसने खुद रैंडम नंबर जनरेट किए अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्ट वहां पे फेल हो रहा हो, राइट ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे आपको कई रिसर्च पेपर्स मिलते हैं, सो बेसिकली जो कि आपके उस सॉफ्टवेयर की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। ओके, सो इसी तरीके से अगर हम आए, मैं अब दोबारा से इसको कह रहा हूं, अगर हम इसी को जो है वो करें,
Just a minute. अब आप इस तरीके से कीजिएगा जो कि आपकी जो डिस्क्रीट डेटा है उसको जरा कॉपी पेस्ट कीजिएगा। अब हम यही प्रोसेस जो है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली भी जरा एक दफा चेक कर लें। जो सेकेंड हमारे पास जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था, स्टेप तो इसमें वही है जो कि आपने एनालाइज फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, या फिर ये जो हमारे पास आपके पास जो है वो टैब है, इस टैब को क्लिक कर लें। ओके, सो मेक श्योर कीजिएगा डेटा जो है वो हमारा सिलेक्टेड हो। अब क्योंकि ये डिस्क्रीट डेटा है तो मैंने मेक श्योर करना है जो मेरा डेटा डोमेन है वो डिस्क्रीट सिलेक्टेड हो, ठीक है, और सिंपली प्रेस ओके कर लें। ठीक है, सो अगेन हमारे पास वही डेंसिटी फंक्शन और क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन प्लॉट्स आ रहे हैं, डिफरेंस प्लॉट आ रहा है। ठीक है, अब टेस्ट में देखिएगा आपको जो है वो उसने कोल्मोग्रोव और एंडरसन डार्लिंग टेस्ट दिए। ठीक है, सो अब यहां से आप उनको रैंक जो है वो कर सकते हो। क्लियर जी, काइस्केर क्योंकि सर डिस्क्रीट डेटा जी। आई एम सरप्राइज इसने काइस्केर का रिजल्ट क्यों नहीं दिया, काइस्केर का इसको रिजल्ट देना चाहिए था। यूजली मे बी इन्होंने कोई अप्रोक्सीमेशन लगाई हो, नॉर्मली एंडरसन डार्लिंग टेस्ट जो है वो डिस्क्रीट डेटा के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता, नहीं किया जाता बिल्कुल से। बट काइस्केर टेस्ट जो है वो डिस्क्रीट डेटा के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक सर। सो बहरहाल अब ये जो डेटा है वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू केएस टेस्ट जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, एज वेल एज एडी टेस्ट भी कह रहा है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। Is it clear? But AD, जी ठीक, लेकिन सर AD only for continuous के लिए हम use जी AD generally continuous data के लिए ही हम use कर रहे होते हैं। KS test जो है वो आप discrete और continuous दोनों के लिए use कर सकते हो, ठीक है, और Akaiskare भी discrete और continuous दोनों के लिए use किया जा सकता है। दोनों सही ओके। So, अब जो है वो हम आगे मूव करते हैं। ओके अगेन लाइक जैसे मैंने को पहले बताया कि जो आपने बेस्ट फिट गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट अगेंस्ट टी वैल्यू कभी भी डिसाइड नहीं करना, मीन सिर्फ टी वैल्यू की बेसिस के ऊपर आपने ये डिसाइड नहीं करना कि ये वाली बेस्ट फिट है। सो आपने क्या करना है, ऑब्वियसली पी वैल्यू को भी देखें बट एज वेल एज आपने ग्राफ को भी देखना है। सो जैसे हमने डिफरेंट ग्राफिकल एनालिसिस पढ़े हैं आपने उनको भी देखना है, राइट? जैसे डेंसिटी प्लॉट हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंसेस प्लॉट हो गया या क्यू क्यू प्लॉट वगैरह हो गया, सो उनको भी आपने ऑब्जर्व करना है और आपने खुद से उसको आइडियलाइज करने की कोशिश करनी है क्योंकि ये डेटा कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। ओके हमने जब इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि जो आप इनपुट डेटा को जब हम मॉडल कर रहे होते हैं तो उसके तीन तरीके हैं सिमुलेशन में यूज करने के। या तो आप डेटा ड्रिवन अप्रोच यूज करते हो, डेटा ड्रिवन अप्रोच के अंदर जिसको सॉरी ट्रेस डेटा को आप यूज कर सकते हो। ट्रेस डेटा क्या था कि आप जो प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा है उसको एज इट इज आप यूज करते हुए फ्यूचर के अंदर आप ज्यूम कर ले तो ये ऐसे ही फॉलो होगा और उसी डेटा पॉइंट के अकॉर्डिंगली आप अपने सिस्टम को सिमुलेट कर लेते हो। जो बाकी दो मेथड थे जिसमें एक मेथड ये था कि आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि क्या ये जो डेटा है वो थ्रेटिकल किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, जिसके लिए वो हमने सारे के सारे स्टेप्स जो है वो अप्लाई किए। लाइक हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पढ़ा, हमने मैथ पैरामीटर की एस्टिमेशन पढ़ी, फिर हमने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट पढ़े, राइट? और जो जो थर्ड हमारा क्राइटेरिया थर्ड मेथड था कि लेट्स से कि हमें नहीं पता कि जी जो हमारी इनपुट डेटा है वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है,
राइट तो उसकी सूरत के अंदर हम फिर क्या करते हैं सो वी कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द एम्पिरिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कि हम उसी डेटा को यूज करते हुए हम उसका एम्पिरिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं राइट और एम्पिरिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाने का फॉर्मूला क्या था 1/n i of summation सॉरी ये है summation i 1 to n i of capital x is less than or equal to small x mean उस पर्टिकुलर नंबर से नीचे तक की वैल्यू को हम प्लस कर लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा उस पर्टिकुलर नंबर तक क्यूमुलेटिव एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है राइट सो जो हमने लास्ट टाइम बनाया भी था सो आप क्या करते हो ये हमने उस डेटा की बेसिस के ऊपर एम्पिरिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना लिया और अब आपने जो रेंडम नंबर जनरेट करने हैं वो हम कह देते हैं कि अगर तो वो डेटा जो है वो पॉइंट्स इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर लाई कर रहे तो हम फिर हम कह देते हैं कि ओके कि आपका जो डेटा है वो इस उसी डेटा को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है अदरवाइज वो नहीं कर रहा ठीक है सो बेसिकली जो अब हम सिमुलेशन या रेंडम नंबर ले रहे होते हैं वो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस के ऊपर ले लेते हैं क्लियर सो अब अनफॉर्चुनेटली इसको फिर टेस्ट करने का या कोई उसका तरीकेकार नहीं है सो सिंपली हम क्या करते हैं कि एम्पिरिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम जो वो रेंडम नंबर जनरेट करते हैं और हम उन रेंडम नंबर्स को फिर यूज कर लेते हैं कि ओके अगर ये इंटर अराइवल टाइम है तो वो इस इन रेंडम नंबर की बेसिस के ऊपर जो वो कस्टमर अराइव कर रहा होगा अगर वो हम कह रहे हैं रिपेयर टाइम है तो ऑब्वियसली वो रिपेयर टाइम उस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा होगा बट ऑब्वियसली जो कि आपने एक्चुअल डेटा की बेसिस के ऊपर बनाया होगा सो अगर इन तीनों में से देखा जाए ऑब्वियसली तीनों यूजेबल हैं बट द टॉप प्रायोरिटी है वो कोशिश ये की जाती है कि ये किसी न किसी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे और उसका एडवांटेज भी मैंने आपको बताया था क्योंकि एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो एम्पिरिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अकॉर्डिंगली अगर आप इनपुट डेटा को यूज करोगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि एक्चुअल सिनेरियो में आपका डेटा उस रेंज से बाहर आ जाए तो दैट मीन अगर उस रेंज से बाहर आ जाएगा तो फिर हम प्रॉपरली अपने उस इनपुट डेटा को मॉडल नहीं कर सकोगे सो दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस एम्पिरिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ठीक है ओके नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें जो है वो आपका जो प्रोसेस है वो स्टेशनरी ना हो बल्कि नॉन स्टेशनरी प्रोसेस हो और आपने अपने इस नॉन स्टेशनरी प्रोसेस को जो है वो उसको यूज करते हुए मॉडल करना है अब स्टेशनरी प्रोसेस क्या होता है और नॉन स्टेशनरी प्रोसेस क्या होता है आइडिया नहीं आइडिया क्यूइंग थ्योरी पढ़ी है जी सर पढ़ी तो थी ओके क्यूइंग थ्योरी में हमारा जो MM1 मॉडल है MM1 में हम क्या कहते हैं कि आपका जो अराइवल है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है राइट राइट ठीक है और जो आपका सर्विस टाइम है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिमेम्बर दैट कि आपका जब हम कोई जो क्यूइंग मॉडल डेवलप करते हैं तो उसमें जो सबसे पहले जैसे MM1 है या कोई भी मॉडल है उसमें हम ये अज्यूम करके चल रहे होते हैं कि जो आपका प्रोसेस है वो स्टेशनरी प्रोसेस है स्टेशनरी प्रोसेस से क्या मुराद है कि मीन प्रेडिक्टेबल है अब प्रेडिक्टेबल से क्या मुराद ली जाती है कि जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 7 बजे से लेके 8 बजे तक आपने 1 घंटे का टाइम इंटरवल लिया तो मैंने ये कहा कि मेरे जो नंबर ऑफ कस्टमर सिस्टम के अंदर एंटर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 10 कस्टमर्स पर आवर राइट सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने अपने सिस्टम को स्टडी कर रहा हूँ फ्रॉम 7 AM to 12 PM तो इसका मतलब ये होगा कि 7 बजे से लेके 8 बजे तक भी 10 कस्टमर पर घंटा
दस कस्टमर सिस्टम के अंदर एंटर हो रहे हैं, 8 से लेकर 9 बजे के दरमियान भी 10 कस्टमर एंटर हो रहे हैं और 9 से 10 के दरमियान भी 10 कस्टमर एंटर हो रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी प्रोसेस, राइट. जबकि जो जबकि जो नॉन स्टेशनरी प्रोसेस होता है उसके अंदर हमें कुछ पता नहीं होता, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन चल रही होती है. सो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपने ये कोशिश करनी होती है कि जो आपका प्रोसेस है उसको हम किसी तरीके से स्टेशनरी बनाया जाए, ठीक है. सो स्टेशनरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सो वी विल ट्राई टू अप्रोक्सीमेट द अराइवल रेट कांस्टेंट ओवर सम बेसिक टाइम इंटरवल. सो अब उसको किस तरीके से बनाया जाता है स्टेशनरी, उसको स्टेशनरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने टाइम इंटरवल्स को स्मॉलर पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं. लाइक जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमने चेक किया, हम उसका सिंपल प्लॉट बनाते हैं और हम ये चेक करते हैं कि अगर हम एक एक घंटे के लिहाज से अपने डेटा को देखें, मीन एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने उनका लेट से नंबर ऑफ कस्टमर्स ले लिए, और हम अगर एक घंटे के लिहाज से देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नजर आती है. सो आप अपने टाइम को क्या कर दो, ब्रेक कर लो, बजाय एक घंटे के देखने के चेक इन एवरी 30 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और चेक करो कि क्या जो आपका ट्रेंड है वो स्टेशनरी बन रहा है या नहीं बन रहा. लाइक इस तरीके से स्टेशनरी से क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. अगर यहाँ पे टाइम है और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, ठीक है जी. सो नॉन स्टेशनरी मीन के वो zigzag सा आपके पास आ रहा होगा, जबकि स्टेशनरी मीन ऑलमोस्ट लाइन इसके ऊपर कहीं पे लाई कर रही होगी, ठीक है. सो हमें क्या करना है कि हमने अपने इस टाइम इंटरवल को जो 0 to T के दरमियान टाइम है वो कोशिश करनी है उसको ब्रेक करते करते इतना स्मॉल कर लें, ठीक है, कि वो स्टेशनरी बन जाए. अब स्मॉल से मुराद ये भी नहीं है कि आपने उसको बिल्कुल 5 सेकंड या 3 सेकंड कर लेना है. सो बहरहाल इतना का गैप होना चाहिए कि आप कोशिश करो कि आपका जो प्रोसेस है वो स्टेशनरी बन जाए. क्लियर, ठीक है. सो देन यू कैन डील विद दैट इजीली, ओके. सो दैट इज द मेन फोकस ऑफ आवर्स. अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली गई है कि फॉर एग्जांपल डेल्टा टी क्या है, दैट इज बेसिकली द टाइम इंटरवल लेंथ जो आपने डिसाइड किया. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, कुड बी 1 आवर, कुड बी 30 मिनट, कुड बी 15 सेकंड, व्हाटएवर जो भी आपने डिसाइड करना है. एन इज द नंबर ऑफ कस्टमर्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द पीरियड, मीन नंबर ऑफ कस्टमर एंटर इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. और सी आई जे क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ अराइवल्स बिटवीन आई टू जे, मीन 7 AM to 8 AM, ठीक है, व्हाटएवर जो भी है. क्लियर. तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली ये अराइवल रेट आ रहा है. अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, हमने कहा है कि हमने 10 बिजनेस आवर्स डेली की बेसिस के ऊपर हमने डाटा कलेक्ट किया. सो हमने बेसिकली हर एक आधे घंटे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डाटा को नोट डाउन किया है. सो ये बेसिकली मिस्टेक है, ये 8 से 8:30 है, ओके, आधे घंटे के लिहाज से. सो हमने जो टाइम दिया है, टाइम इंटरवल आधा घंटा है, राइट. सो आपके पास जो नंबर ऑफ आपके पास टाइम इंटरवल्स, मीन हमने 8 AM से 6 PM तक इनको आधे आधे घंटे से डिवाइड करें, सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 हो जाएंगी, ठीक है. और 3 दिन का हमने डाटा लिया. सो डे 1 में हमने नोट डाउन किया कि 8 से लेकर 8:30 तक कितने कस्टमर्स आए, डे 2 में, डे 3 में, इसी तरीके से 8:30 से 9 एंड सो ऑन. और हमने अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला उनको एस्टिमेट किए, राइट, ठीक है. सो यहां से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने उस नॉन स्टेशनरी प्रोसेस को हम इस तरीके से फिर मॉडल कर सकते हैं. सो दो तरीके हैं, या तो आप उसको किसी तरीके से स्टेशनरी बना लो, या आप क्या करो कि आप उसके टाइम इंटरवल को ब्रेक डाउन करते हुए एक एस्टिमेशन जो है वो हम कर सकते हैं कि ओके हमारा नंबर ऑफ कस्टमर्स पर दैट टाइम इंटरवल्स कितने एंटर हो रहे हैं, ठीक है.
सो द बेस्ट अप्रोच इज कि हम उसको स्टेशनरी करते हुए इस तरीके से उसको जो है वो डील कर सकते हैं. ठीक है. ओके नेक्स्ट जो है इसको हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस भी किया था बट अगेन मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि सपोज आप ऐसे सिचुएशन में आ गए हो जहां पे आपके पास डाटा अवेलेबल ही नहीं है और आपने इनपुट डाटा को मॉडल करना है. सो इनपुट मॉडल डाटा को मॉडल कैसे फिर करोगे, इट मीन आप फिर अज्यूम करोगे राइट. मतलब जैसे कोई इंजीनियरिंग डाटा है या एक्सपर्ट ओपिनियन है, ठीक है, जैसे आपको कोई ऑपरेटर कह देता है जी मिनिमम इतना टाइम लगता है मैक्सिमम इतना टाइम लगता है, ठीक है. तो जैसे हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी ट्राइंगल, तो उसमें ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें एक मिनिमम पॉइंट चाहिए होता है, एक मैक्सिमम पॉइंट चाहिए होता है और एक मॉडल पॉइंट चाहिए होता है. सो जनरली यूनिफॉर्म ट्राइंगल एंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं जब आपके पास डेटा अवेलेबल ना हो, ठीक है. बट ऑब्वियसली आपको फिर वो स्नैरियो जरूर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो स्नैरियो किस तरह का है. ठीक से, ठीक है. ओके सो ये आपके पास एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पे शो हो रही है. जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी एक प्रोडक्शन प्लानिंग को सपोज सिमुलेट करना है और मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है वो सेल्स का मेरे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है. सो सेल्स का डेटा कैसे अवेलेबल है मेरे पास, वो कहा जाता है कि जी सपोज ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर मैंने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डेवलप की है. सो जस्ट मैंने क्या किया है, मेरे पास जो मेरा सेल्स मैनेजर है या सेल्स पर्सन है वो मुझे ये कह रहा है कि आपके पास जो सेल्स है वो नो फ्यूअर देन मीन मिनिमम 100,000 यूनिट तो लाजमन सेल होंगे बट 5,000 से ज्यादा सेल नहीं हो सकती. सो मैंने क्या किया, मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 5,000 सेल. क्लियर. अब वो कह रहे हैं कि उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक, उसने अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे बताया, शी बिलीव्स दैट देयर इज 90% चांस ऑफ सेलिंग मोर देन 2,000 यूनिट. सो 90% चांस है कि 2,000 से ऊपर यूनिट वो सेल कर सकते हैं. इट मीन 10% चांसेस है कि 1,000 से 2,000 के दरमियान आप यूनिट सेल कर सकते हो. राइट. ठीक है. आगे वो कह रहे हैं कि जी 25% चांसेस हैं कि आप मोर देन 2,500 कर सकते हो. सो दैट मीन हम क्या करेंगे, 2,000 से 300 तक कितने परसेंट चांसेस है, 25%. ठीक है. सो अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट मीन दिस इज द 25%. अब ये क्योंकि क्यूमुलेटिव की सेंस के अंदर लिया जा रहा है सो दैट इज 25% आ जाएगा. ठीक है. इसी तरीके से ओनली 1% ऑफ सेलिंग. सो बेस्ड ऑन दिस बेसिकली आप कह रहे हो कि डेंसिटी के अकॉर्डिंगली हमने क्या कर दिया, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है. बिटवीन 1,000 से 5,000. अब ये जो प्रोबेबिलिटीज असाइन की है बेसिकली ये क्यूमुलेटिव है. क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है, इसमें हमने एड की हुई है वो प्रोबेबिलिटीज. ठीक है. सो सम जो है वो 1 है. सो ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, जस्ट उसकी एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर हमने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाई हुई है. ओके अब ये बेसिकली है क्या, इंपेरिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये. राइट. राइट सर. राइट. सो इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर अगर मुझे अपना प्रोडक्शन प्लान बनाना है बेस्ड ऑन दिस डेटा कि जी मेरी जो सेल है वो 1,000 से 5,000 के दरमियान होगी. राइट. सो मुझे कितने यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करने चाहिए, तो मैं सिमुलेशन जब करूंगा तो मैं जो रैंडम नंबर जनरेट करूंगा वो अकॉर्डिंग टू दिस एम्पिरिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा कर सकता हूँ. सो दैट मीन हम ये कह सकते हैं कि 10% चांसेस हैं कि जो हमारी सेल होगी वो 2,000 या उससे कम होगी बट मिनिमम 1,000 होगी. 75% चांसेस हैं कि जो हमारी सेल है वो 3,000 या उससे कम होगी बट मिनिमम 1,000 होगी. ठीक है. इसी तरीके से आपके पास क्या है कि आपको कहा जाता है कि
जो आपके पास जो जो सेल होगी वो 3000 से 4000 के दरमियान होगी, सॉरी 99% चांसेस है आपकी सेल 4000 या उससे कम होगी, राइट? सो नाउ वी कैन जनरेट द रैंडम नंबर बिटवीन 1000 टू 5000 बेस्ड ऑन दीज प्रोबेबिलिटीज, और हम देन उसके अकॉर्डिंगली अपना फिर प्रोडक्शन प्लान बना सकते हैं. इज इट क्लियर? और इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली आप एक्सपीरियंस बेस के ऊपर इस तरीके से फिर सिमुलेशन की जाती है कि आपने अपना एक्सपीरियंस बेस के ऊपर एक प्रोबेबिलिटी या क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बना लेते हो, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर आप डिफरेंट सिमुलेशन करते हुए उसके रिजल्ट्स निकाल रहे होते हो, राइट? एंड रिमेम्बर दैट जब हम मॉन्टी कार्लो पढ़ रहे थे तो हम क्या करते थे, एक दफा सिमुलेशन नहीं करते बल्कि उनको 100 टाइम रिपीट करते हैं या 200 टाइम रिपीट करके एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं कि ओके फ्यूचर के अंदर कितने परसेंट चांसेस हैं कि सेल 1000 से 2000 के दरमियान रहेगी, कितने परसेंट चांसेस हैं कि 2000 से 3000 के दरमियान रहेगी. सो हम बेसिकली मल्टीपल टाइम रिपीट करके उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बेसिस के ऊपर डिसाइड कर रहे होते हैं, राइट जी? जी अब हम जो है वो जरा टोटली हट रहे हैं. समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको बजाय इसके कि आप इनपुट को जो है वो जनरली लें, बट हम अपनी बेसिकली इनपुट को मॉडल कर रहे होते हैं ट्रूली बेस्ड ऑन द टाइम, ठीक है? सो उसके लिए फिर हम क्या किया जा रहा होता है कि रेदर देन हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए रैंडम नंबर जनरेट करें, हम डिफरेंट टाइम सीरीज मॉडल्स को यूज करते हैं जो कि टाइम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? लाइक जैसे हम कहते हैं कि जी अराइवल ऑफ ऑर्डर, ठीक है, कि ऑर्डर कब आएगा, ठीक है, या आप जो है वो ऑर्डर कब डिलीवर करोगे. सो टोटली जब आपके पास टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो तो उसमें हम फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं बल्कि टाइम सीरीज मॉडल को हम यूज कर रहे होते हैं. क्लियर? जी सर ठीक है. अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम टाइम सीरीज को लेते हैं, क्योंकि अब आपके पास जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स जो है वो कंसिडर किए जाते होते हैं. रिमेम्बर दैट दो चीजें हैं, वन इज मल्टीवेरिएट, अनदर इज टाइम सीरीज. मल्टीवेरिएट मीन मल्टीपल वेरिएबल्स को हम ऑब्जर्व करते हुए हम जो है डेटा जनरेट कर रहे होते हैं. द सेकेंड थिंग इज कि हम प्योरली टाइम को ऑब्जर्व करते हुए हम डेटा को जनरेट करते हैं. जब आप मल्टीपल वेरिएबल्स को लेके आपने डेटा को जनरेट करना होता है या ऑब्जर्व करना होता है तो उसमें हमारे जो सबसे क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोवेरियंस और कोरिलेशन, ठीक है? कि हमने ये देखना होता है कि ओके अगर फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि अगर मेरा लीड टाइम इंक्रीज करता है और मेरी जो डिमांड है क्या वो भी इंक्रीज करती है, तो उसका इफेक्ट मेरी इन्वेंट्री के ऊपर क्या आता है. अगर मेरी लीड टाइम डिक्रीज करता है और मेरी जो डिमांड है वो इंक्रीज करता है तो उसका इफेक्ट मेरे इन्वेंट्री पोजीशन के ऊपर क्या आता है. सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, दो वेरिएबल्स को इकट्ठा लेके चल रहे हो और उसका इम्पैक्ट बेसिकली ऑब्जर्व कर रहे हो. तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लीड टाइम और डिमांड के दरमियान कोवेरियंस या कोरिलेशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उनके दरमियान पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है. लीड टाइम इंक्रीज करने से डिमांड इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, ठीक है? सो ये क्या कहलाते हैं, मल्टी वेरिएट. सो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो एलिमेंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं विच इज कोवेरियंस एंड कोरिलेशन, ठीक है? सो कोवेरियंस और कोरिलेशन की बेसिकली इंटरप्रिटेशन सेम है. इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर आपका कोवेरियंस का आंसर जीरो हो, ठीक है, सिमिलरली अगर आपका कोरिलेशन का आंसर जीरो हो तो हम कह देते हैं कि जी टोटली दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है. सो इसका मतलब ये हुआ कि लीड टाइम इंक्रीज करने से डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है? सो अब अगर लीड टाइम इंक्रीज भी कर जाए और डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज करने से आपकी इन्वेंट्री पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सो ये दे आर टोटली इंडिपेंडेंट.
सो इट मीन आपको डिमांड अगर आप सेपरेटली ऑब्जर्व करें और लीड टाइम आप सेपरेटली ऑब्जर्व करें, इन दोनों का आपस में कलेक्टिवली इफेक्ट नहीं आ रहा बल्कि इंडिपेंडेंट इफेक्ट आ रहा है। जबकि अगर ये